एसपी सांसद आजम खान को शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से आजम परिवार को जेल से शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को भी किया गया है शिफ्ट। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में ये पूरा परिवार जेल भेजा गया है। रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने 2 मार्च तक के लिए इस पूरे परिवार को जेल भेजा है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आजम खान को लेकर आ रही है, जहां पूरे परिवार को शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि रामपुर से सीतापुर जेल में पूरे परिवार को शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट करने के कारणों को बताया जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए परिवार को जेल से शिफ्ट किया गया है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र मामले में पूरा परिवार फंसा हुआ है, जिसको लेकर रामपुर कोर्ट ने 2 मास तक के लिए पूरे परिवार को जेल भेजा है। तो आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस के अधिकारी हैं लेकर जा रहे हैं। तो आपको बता दें एसपी सांसद आजम खान को शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, रामपुर से सीतापुर जेल में आजम खान को शिफ्ट किया गया है। ये पूरा परिवार फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 2 मार्च तक के लिए जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने 2 मार्च तक के लिए पूरे परिवार को जेल भेजा है। तो वही शिफ्ट के कारणों को बताया जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए पूरे परिवार को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि एक वीवीआईपी या वीआईपी कहें ये कैदी है, तो जिसको देखते हुए सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे परिवार को शिफ्ट किया गया है। तब ऐसे में आजम खान परिवार को अब शिफ्ट किया गया है। तो हमारे सहयोगी लाइव अमरजीत जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी। अमरजीत, जिस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर इनको भेजा गया है दूसरी जगह पर, और अब क्या वहां पर हालात है, इनको कैसे वहां शिफ्ट किया गया? अभिषेक, जैसे ही सूचना आई थी कि आजम खान को उनके परिवार को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद से जेल प्रशासन यहां पर सतर्क हो गया था। हालांकि 8:30 बजे उनके पहुंचने का यहां पर समय था, लेकिन अब तक 9 बज चुका है और अब तक यहां पे आजम खान और उनका परिवार नहीं पहुंच सका है। हालांकि यहां पे जेल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनका यहां पे रामपुर से यहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आजम खान का काफिला जो पुलिस विभाग लेके आ रहा था वो अभी तक यहां तक नहीं पहुंच पाया, जबकि 8:30 बजे यहां पे पहुंचने का समय दिया गया था। जी अभिषेक जी, अमरजीत, वहीं क्या जैसे कि इनको कोई वहां पर जेल में कोई वीआईपी सुविधा मिलेगी या सामान्य तरीके से ही इनको रखा जाएगा वहां पर? देखिए, अगर सीतापुर जेल की बात की जाए तो सीतापुर जेल में आजम खान का आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले यहाँ पे उन्नाव के पूर्व विधायक सेंगर को भी यहाँ पे रखा गया था। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तार अंसारी, मतलब तमाम ऐसे लोग माननीय रहे हैं जिनको सीतापुर जेल लाया गया था। तो जेल में जो अभी तक अधिकारियों का कहना है कि हमेशा ही जैसा मैनुअल सबके लिए होता है, आम कैदी के लिए होता है, वैसा ही मैनुअल आजम खान और उनके फैमिली के साथ भी रहेगा। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, चूंकि जेल भेजे गए हैं, कोई यहाँ पे निरीक्षण के लिए ऐसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना तो संभव नहीं होता है जेल में। तो ऐसे में यह कहना तो संभव कहीं से भी नहीं कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जाहिर सी बात है, एक कैदी के तरीके से आ रहे हैं तो कैदी की तरीके से ही जेल में रहना पड़ेगा। और बाकी सीतापुर जेल में तो इससे पहले भी तमाम माननीयों को शिफ्ट किया गया है और उनको जेल मैनुअल के हिसाब से ही अब तक रखा गया है। जी अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।